सोशल मीडिया पर जब से ये खबर फैल रही है कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक को बैन किया जा रहा है, तब से मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत सारे डीएम्स, बहुत सारे मैसेज ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनमें सभी का एक ही सवाल है। वैसे तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मुझे रात भी बहुत सारे मैसेज देखने को मिले। इतने मैसेज का मैं रिप्ले नहीं कर पाया, इसलिए ये वीडियो बना करके मैं आपको सही जानकारी देने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये सच है, क्या ये सच में बैन हो सकते हैं इंडिया के अंदर या फिर नहीं हो सकते। सारी जानकारी अगर आप सही चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, आखिर ये पंगा क्या है और ये बैन होने के लिए क्यों कहा जा रहा है, ये तीनों प्लेटफॉर्म को बैन क्यों किया जा रहा है इंडिया के अंदर, या ये बैन होंगे या नहीं, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी पर्सन ये बोल रहे हैं मुझसे कि हमने इंस्टाग्राम पर इतनी मेहनत की, रील्स पर वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा कॉन्टेंट बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्या हमारी ये मेहनत अब बेकार जाने वाली है? क्या सच में इंडिया के अंदर इंस्टाग्राम को बैन कर देंगे? हमारी जो रील्स की वीडियो है जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, ये कैसे होगा? तो भाई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद SS YouTube चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। OTT नाम का एक प्लेटफॉर्म है जिसको फरवरी के मंथ में कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन पर चेंजेस करने के लिए बोला गया था और उसको एक लास्ट डेट दी गई थी जो कि आज 26 तारीख है। जी हाँ दोस्तों, 26 तारीख लास्ट डेट दी गई थी। उससे पहले पहले उनको अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन में और अपने जो प्लेटफॉर्म के अंदर चेंजेस करने के लिए बोला गया था। अब वो चेंजेस क्या करने के लिए बोला गया था, क्या कुछ कहा था यहाँ पर, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो आज जैसे कि लास्ट डेट है, आज तक उसने कोई भी चेंजेस नहीं की है, इस वजह से ये सोशल मीडिया पर खबर फैल रही है, ये न्यूज़ फैल रही है कि अब इनको बैन कर दिया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। भाई इंडियन गवर्नमेंट है, यहाँ पर कुछ भी कर सकती है। ये तो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम है, यहाँ पर यूट्यूब भी बैन हो सकता है, कुछ भी बैन कर सकते हैं क्योंकि इंडिया के हाथ में ये सब चीज़ है, पावर है, तो बिल्कुल कर सकती है। गाइज इंडियन गवर्नमेंट जो है हमारी बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, वो ये नहीं चाहती कि इंडिया के जितने भी यूजर्स इन सभी चीज़ों को, इन सभी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, उनके साथ में कुछ गलत हो या फिर वो कुछ गलत करें, तो इन सभी पर रोक लगाने के लिए, वो यूज़र्स पे तो रोक नहीं लगा सकती, लेकिन जो ये प्लेटफॉर्म है उनको बिल्कुल कह सकती है कि इनकी कम्युनिटी गाइडलाइन में चेंजेस की जाएँ और यहाँ पर इनके अंदर कुछ सुधार किया जाए। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि ये चेंजेस करने के लिए क्या बोला गया था। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यूजर्स जब इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वह उल्टी सीधी चीज़ों को भी फॉरवर्ड करते हैं, जैसे कि एडल्ट कंटेंट उसको शेयर करते हैं या चैट वगैरह में गलत बात बोलते हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गलत हैं। उन सभी पर ब्रेक लगाने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि ऐसी बातें, ऐसी चीज़ों को फॉरवर्ड ना किया जाए जिससे सभी को नुकसान हो। तो ये सारी चीज़ें जो है फॉलो करनी थी उस गाइडलाइन में, जो कि उन्होंने अभी तक फॉलो नहीं की है। तो इसके बाद जो है उनको एक डेट दी गई थी जो कि आज 26 है। तो आज तक, अभी तक वैसे ये बैन तो नहीं हुए हैं, लेकिन आज लास्ट डेट है, देखते हैं शाम तक क्या होता है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये बड़े प्लेटफॉर्म है, ये बैन नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है कि ये बैन नहीं होंगे क्योंकि आपस में इनकी बात हो जाएगी और ये रूल्स को फॉलो कर लेंगे। और मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई रूल्स को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर अगर हम सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, सोशल मीडिया से ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ जो है गलत ही काम होते हैं, बहुत सारे अच्छे काम भी होते हैं और सोशल मीडिया की मदद से बहुत लोगों के रोजी रोटी रोजगार चलते हैं, बहुत लोग पैसा भी कमाते हैं सोशल मीडिया के जरिए। तो गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम इंडिया के अंदर बैन होंगे। और जैसे कि आप लोग डीमोटिवेट हो रहे हो, मैसेज पढ़ रहा हूँ मैं सभी के, बहुत लोग डीमोटिवेट हुए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई रील्स पर बहुत अच्छा कॉन्टेंट बनाते हैं हम, फेसबुक पर अच्छा कंटेंट बना करके डालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, क्या हमारी ये मेहनत वेस्ट जाने वाली है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया के अंदर बैन होंगे और इनकी आपस में कोई ना कोई बात होगी और ये जितने भी प्लेटफॉर्म है ये कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, आपस में इनकी बात हो जाएगी, मुझे ऐसा ही लगता है। क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म है, कोई छोटे मोटे प्लेटफॉर्म नहीं है, जैसे कि टिकटॉक था, चाइनीज था, अब टिकटॉक को जो है इंडिया से बाहर कर दिया गया है, टिकटॉक की यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। तो ऐसा ये एप्लीकेशन नहीं है, ये बड़ी एप्लीकेशन है, तो आपस में इनकी कोई ना कोई बात जरूर हो जाएगी। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको जो है यहाँ पर उसी तरह से काम करना है जैसे कि आप यहाँ पर काम करते थे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और ये बैन होंगे या फिर नहीं होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। आज टुडे है, आज भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, आपका चल रहा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये नहीं चल रहा है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।